हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ गीतांजलि यूनिवर्सिटी के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एज। देन आप उसमें टाइप करना है गीतांजलि यूनिवर्सिटी 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको गीतांजलि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पर दिया गया गीतांजलि यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 25 जनवरी का स्टार्ट हो चुका था अलग अलग कोर्सेज के लिए एंड ये अनलॉलेज दिया गया 2011 में। देन वहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाइस क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। ऐसे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन इस आर्टिकल्स में जो है एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्ज़ाम डेट्स एंड किस तरह से आपको अप्लाई करना, उन सब के बारे में इस आर्टिकल्स में दिया गया है। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है, क्लिक टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, देन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, फादर नेम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ हो गया आप वो डालेंगे एंड उसके बाद आपको अपने आगे की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। एंड देन यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होता है, फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर, दूसरा अगर आपके घर पे मोबाइल होगा तो आपको नंबर डालना होगा। देन यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, एड्रेस डालना है, सिटी बतानी है, स्टेट सेलेक्ट, वन सेलेक्ट कोर्स, योर इंक्वायरी आपको बतानी है एंड देन सबमिट के बाद क्लिक करना रहेगा। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस कम्प्लीट करनी होगी एंड उसमें आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है एंड उसके बाद आपको जो है अपना रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। इन सब के बाद आपको अपने पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में आपको अपने फादर का नेम, मदर नेम एंड उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है एंड देन आपको उनका एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको जो है अपने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो है अपना 10th एंड 12th का आपको परसेंटेज बताना है, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया था आपको वो बताना होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से स्टेट से आपने कंप्लीट किया था। देन आपको अपना एड्रेस देना होता है जिसमें आपको कंट्री एंड देन आपको स्टेट, नेशनलिटी, सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड क्या था आपका एंड उसके बाद आपको जो है अपना 10th एंड 12th का आपको मार्कशीट देना है एंड देन आपको अपना फोटो देना होगा JPEG या PNG फॉर्म में एंड देन सिग्नेचर करना होगा। तो इस तरह से आपका सारा कंप्लीट करना होता है। देन आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस जो है किसी भी तरह कम दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।